नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, धनु राशि वालों, अब समय का पहिया घूम चुका है जी। दोस्तों, अब दुश्मन आपके पैरों में गिरेंगे। दोस्तों, जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, जो लोग आपके ऊपर हंसते थे, दोस्तों अब वही लोग आपकी तरक्की को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर आपके पैरों में गिरेंगे जी। दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव होने जा रहे हैं अगले 24 घंटे के अंदर, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे जी। दोस्तों, अब आप लोगों को आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो जो खुशखबरी मिलेंगी दोस्तों, उसे देखकर आप लोगों ने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा होगा जी। दोस्तों, तो आज की पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय, यानी कि 19 दिसंबर का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थितियाँ कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे, इन सभी का श्राप आपके राशिफल पर कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आकर आज आप लोगों को कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं, आपको कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आज हाथ लगने वाली हैं, जो दुश्मन आपके पैरों में आपकी तरक्की को देखकर गिरेंगे जी। दोस्तों, अब आपके जीवन काल में कौन कौन सी शुभ घटनाएँ, तो कौन कौन सी शुभ घटनाएँ आज के दिन होने वाली हैं। और दोस्तों, साथ ही बात करेंगे आज आप लोगों को क्या क्या सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, कौन सी गलतियों को करने से आज के दिन आपको बचकर रहना होगा, जो आपकी ज़िंदगी के लिए किसी प्रकार कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। और साथ ही आज के दिन आपके प्रेम संबंध राशि पर कैसे रहेंगे, आपके स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, कार्य धन को लेकर स्थितियाँ कैसे, बचत होंगे, घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा, और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हम आप सभी को पूरी विस्तारपूर्वक से बताएंगे, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे उपाय हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को आने वाले इन 24 घंटे के अंदर कर लेंगे, यानी कि 19 दिसंबर के दिन, यानी कि सोमवार के दिन कर लेंगे, तो दोस्तों मैं किन के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनेगी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं, बड़े की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो भक्त हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या दोस्तों नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि राशि से जुड़ी सभी जानकारी आप सभी को समय समय तक पहुँच सके जी। दोस्तों चलिए बात करते हैं, बड़े की प्रारंभ करते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले इनके पंचांग। दोस्तों, इस दिन सोमवार का दिन है और दोस्तों सोमवार का दिन भगवान भोले बाबा का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों, पौष मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेंगी और दोस्तों शवाती नामक नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। और दोस्तों, शुभ की बात करें, दोस्तों अतिगण युग मध्यरात्रि 3:21 के उपरांत शुक्रमा योग प्रारंभ हो जाएगी। और राहु कल के समय की बात करें, 18 दिन का बेहद शुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 8:25 से लेकर के सुबह 9:45 रहेगा। दोस्तों, ऐसे नियंत्रण में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ और मांगलिक कार्य में विघ्न एक बधाएँ भी पड़ सकती है। और दोस्तों, अब जीवन समय की बात करें, 8 दिन का बेहद शुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 9:45 से लेकर के सुबह 11:04 रहेगा। दोस्तों, ऐसे नियंत्रण में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों, सूर्य धनु राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा तुल राशि पर संचार करेगा पूरा दिन और पूरा रात। दोस्तों, ऐसे में समस्त ग्रहों के चार आपके राशि फल पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आपको हम सारी जानकारियां बताएंगे पूरी विस्तारपूर्वक, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, समस्त ग्रहों की चाल से और भगवान भोले बाबा की कृपा से आने वाले दिन आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही लकी दिन रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के दिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव होगा, कुछ ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन होंगे जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे जो। दोस्तों, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों जो लोग आपकी बुरी स्थिति में, आपके बुरे समय में आप पर हंसा करते या फिर आपका मजाक उड़ाते थे, दोस्तों अब वही लोग आपके पैरों में गिरकर आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि दोस्तों अब समय का पहिया
घूम चुका है। दोस्तों अब आने वाले इन 24 घंटे के अंदर आप लोगों को जो जो खुशखबरी मिलेंगी और आपकी जो जो कामयाबी हाथ लगेंगी दोस्तों, उसे देख कर आपके दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे। जी दोस्तों अब आने वाले इन 24 घंटे के अंदर आप लोगों को वो खुशखबरी मिलेंगी दोस्तों जो आप चाहते थे। जी दोस्तों इन 24 घंटे के अंदर आपके ज़िंदगी में ऐसा बदलाव होगा, ऐसा परिवर्तन होगा जो आपने कभी भी सपने में ना सोचे होंगे और ना ही कभी कल्पना की होंगी। दोस्तों जो चीज़ आपने कभी सोचा नहीं होगा दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपकी ज़िंदगी में वह चीज़ होने वाला है। जी दोस्तों अगले इन 24 घंटे की इस अवधि में आप लोगों को वो खुशियाँ प्राप्त होंगी जो दोस्तों आपने उसके लिए काफ़ी सारे मेहनत और काफ़ी सारे परिश्रम भी किए थे। दोस्तों अगले इन 24 घंटे के अंदर आपके ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख देंगे। जी दोस्तों और दोस्तों साथ ही आज के दिन आपके मौज मस्ती के नाम भी रहेंगे, आज सगे संबंधियों से मुलाकात भी हो सकती है, फ़ोन या फिर मेल के द्वारा भी संपर्क आज हो सकता है। आज वर्तमान समय आपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाले पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानी अपने आप दूर होती चली जाएंगी और आपका मन आज सामाजिक कार्यों की तरह भी होगा। पड़ोसियों के बीच आपका कद भी इसमें बढ़ेगा और आर्थिक लाभ के लिए इसमें आपको शहर से बाहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस राशि के छोटे छोटे बच्चों को आज पिता से कोई अच्छा ऐसा गिफ्ट भी मिल सकता है और शाम को घर वालों के साथ कहीं भी घूमने की प्लानिंग भी आप लोग बना सकते हैं। आज आपकी लिस्ट में कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं और आपको भविष्य में उनसे फ़ायदा जरूर होगा और आज आप लोग माता दुर्गा को चुनरी चढ़ाएं, सभी काम आपके हमेशा बनते रहेंगे। और दोस्तों प्रेम और संबंध राशि की दृष्टि में अगर देखा जाए दोस्तों इस समय आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही लकी समय रहने वाला है। दोस्त यदि आप लोग किसी के सामने प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज ऐसा करने से आपकी बात भी बन सकती है। जी दोस्तों जिससे आपका मन आज काफ़ी खुश भी नजर आएंगे। और दोस्तों अगर करियर राशि की दृष्टि में देखा जाए तो दोस्तों इस समय आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आज के दिन जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं दोस्तों उन्हें आज आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे और साथ ही अच्छी पदोन्नति भी मिल सकती हैं। अगर आपने सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको उस क्षेत्रों से आज शुभ संदेश भी मिल सकता है जिससे आपका मन इसमें काफ़ी खुश और काफ़ी गदगद भी नजर आएंगे और यह समय कैसे भी दूसरी नौकरी जैसे कि प्रशासनिक कार्यों के आवेदन के लिए भी समय आपका अच्छा है। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी में खुश नहीं हैं तो आप दूसरा नौकरी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, इससे आपको उसमें अच्छी खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। जी दोस्तों और दोस्तों अगर बिजनेस व्यापार की दृष्टि में देखा जाए दोस्तों इस समय आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास समय रहने वाला है। दोस्तों आज ग्रह नक्षत्रों की दशा से यह जानकारियाँ मिल रही कि आज किसी व्यापारिक यात्रा पर आप लोग जा सकते हैं। आज किसी भी विशेषज्ञ की सलाह आपके लिए आगे चलकर उपयोगी सिद्ध होंगी और काम धंधे के समय आज कोई भी दूर दराज की पार्टी से कोई भी ऑर्डर आज मिल सकते हैं जिसको लेकर अधिक आज भागदौड़ भी देखी जा सकती है। कोई भी नई पार्टी व्यापार से जुड़ सकती है और साथ ही आज अचानक धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है जिनसे आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध भी होंगे और नौकरी करने वाले जातक आज सहयोगियों के साथ नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। जी दोस्तों और दोस्तों अगर स्वास्थ्य की दृष्टि में देखा जाए तो दोस्तों आज पैर में कोई भी चोट लगने की स्थिति बन सकती है तो आज आप लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की और चलने की आवश्यकताएँ होंगी। आज किसी प्रकार की जल्दबाजी व वाहन आदि के संबंध में बहुत ही सतर्कता बरते नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी आज हो सकती है। जी दोस्तों और दोस्तों अगर घर परिवार के माहौल में देखा जाए तो दोस्तों आज घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आज किसी भी धार्मिक यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। किसी भी दोस्त की सलाह आज आपको पसंद भी आ सकती है और आज जमीन जायदाद के मामले में पारिवारिक लोग कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं तो ऐसे में आपको इसमें थोड़ा सावधान भी रहने की आवश्यकताएँ होंगी और सायंकाल के समय स्थिति में और भी सुधार होगा।
जी दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आने वाले इन 24 घंटे के अंदर आने की सोमवार के दिन आप लोगों को वह कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप लोग सोमवार के दिन बेलपत्र पर चंदन का टीका लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ऐसे करते समय आप सभी लोग अपने सभी मनोकामनाओं को मन में दोहराना चाहिए। ऐसे करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मांगी गई हर मनोकामनाएँ जल्द ही पूर्ण होंगी और आपके जीवन के सारे परेशानियां भी दूर होंगी और आप और भगवान भोले बाबा का कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी।